हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। द रेक्टेंगल बी सी डी इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो, एक रेक्टेंगल है, और एक ट्राइंगल है। आपको दो जो आकृतियाँ दी गई है उसका हमें पैरामीटर ढूंढना है। उसमें सबसे बड़ा यानी ग्रेटर, सबसे बड़ा पैरामीटर कौन सा है हमें ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का देखते हैं। ट्राइंगल ए बी ई, देखो फ्रेंड्स, हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे ढूंढते हैं। तो उसकी तीनों बाजू जो तीनों साइड है उसको हम प्लस करेंगे तो उसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले पहली एक बाजू हम लिखते हैं ए बी, कितनी है, 5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी लिखेंगे बी ई, 2/3 सेंटीमीटर। तो 2 × 4 = 8, 8 + 3 = 11/4 सेंटीमीटर। अभी ए ई, क्या हो, कितनी है, 3/5 सेंटीमीटर। 3 × 5 = 15, 15 + 3 = 18/5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। सो आंसर हमें ऐसा मिलेगा 5/2 + 11/4 + 18/5। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 4, 5 है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं 2, 4, 5। 2, 2 ones are 2, 2 2 are 4, 5 के 5, 2, 1, 2 ones are 2, 5 के 5, और यहाँ पर 5, सो 1, 1, 5 ones are 5, इसलिए यहाँ पे 1, 1 आ गया। 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20। तो 20 एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 20। आगे बढ़ते हैं, 5/2 × 10 से करना पड़ेगा तो हमें 20 मिलेगा नीचे, प्लस 11/4 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 18/4 4 से मल्टीप्लाई। अभी 5 × 15 यहाँ पे 20 + 11 = 55 यहाँ पे आएगा, 20 + 18 = 72 यहाँ से आएगा 20। तो ये हमें मिल गया। अभी हम इसका प्लस कर देंगे यहाँ पे, 50 + 55 + 72 / 20। देखो यहाँ पे मैं खड़ा कर देता हूँ 55, 72, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, 177 / 22। ये क्या आ गया, ये हमारे जो रेक्टेंगल ट्राइंगल है ए बी ई, उसका आंसर आ गया 177/20। अभी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 20 मीटर, वैसे आएगा 8 × 7 = 20, 20 × 8 = 160 और 160 + 70 = 177। ये 177 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर के बारे में। तो रेक्टेंगुलर जो बी सी बी ई इज इक्वल टू एल प्लस बी, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है 2 × किससे करना पड़ेगा, लेंथ कितनी है, तो हमें लेंथ जो यहाँ पे फ्रेंड्स ये लेंथ है हमारी 7/6 प्लस विथ कितनी है, तो इतनी 2, 3/4 ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विथ है, ये बी है।
अभी यहाँ पे मिल गया है तो ऐसे हम कर सकते हैं 2 7/6 प्लस 4 2 8 8 प्लस 3 इक्वल टू 11/4। फिर से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 6, यहाँ पे 2 2 4 3, 2 1 3, 3 1 1। सो मल्टीप्लाई, सॉरी, एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 4 प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12। 2 7/6 मल्टीप्लाई 2 के साथ हमें करना पड़ेगा प्लस 11 4 × 3/3। 2 यहाँ पे हो जाएगा 14/12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 33/12। अभी आगे आंसर कितना आएगा, 2 × 14 + 13/12। सो 2 × 14 + 30 कितने हो गए, 14 + 33 कितने हो गए, उसमें 4 डालोगे तो कितने रहेंगे, 37 हो जाएगी, उस 10 यानी 47/12। यहाँ पे कट करेंगे 6 आ जाएगा, 2 6 12, सो आंसर आ गया 47/6। अभी उसको हम कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 7 6 42 42 + 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा रेक्टेंगुलर का सेंटीमीटर जो हमारा आंसर है, और ये है हमारा ट्रायंगल का आंसर है। तो यहाँ पे कौन बड़ा लग रहा है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ 8 है, ये पूरा है वॉल नंबर 8 हमारा, ठीक है, और ये है 7 है, तो 7 वॉल नंबर है, तो 8 बड़े हो गए या 7 बड़े हो गए, तो हमें पता है 8 बड़ा होगा, इसलिए ये कौन सा जो ट्राइंगल है वो ग्रेटर होगा, ट्राइंगल ए बी ई पैरामीटर इज ग्रेटर। समझ में आ गया फ्रेंड, फिर से समझते हैं, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगुलर है, हमने यहाँ पे ट्राइंगल का ट्राइंगल जो बाजू साइड होते हैं उसके माप लिख ली है, उसके बाद हमने क्या किया, उसका प्लस किया, पैरामीटर यानी प्लस करना होता है, तो हमने प्लस कर दिया, एलसीएम हमें 20 मिला, 20 बाद में हमें नीचे सब में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 20 होना चाहिए, फिर हमने क्या किया, प्लस किया, और यहाँ पे आ गए ऊपर, हमें आंसर कितना मिला, 177/20, तो उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 8 17/20। उसके बाद क्या हुआ, रेक्टेंगुलर का, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर बी सी डी ई का जो फॉर्मूला है कि 2 × l + b, उसमें 2 × 7/6 + 2 × 3/4, 7/6 जो यहाँ बाजू है उसकी, इसका माप है। अभी आगे जो एलसीएम आया, एलसीएम 12 आया, यहाँ साइड में जो 12 आया एलसीएम, तो हमें 12 एलसीएम लिया, फिर प्लस किया और ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने पता चला कि ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर है वो बड़ा है, ग्रेट है।